और उन बुनियादी जरूरतों में शिक्षा के साथ साथ रोजगार के साथ साथ स्वास्थ्य सेवाओं का हमारे गांव हमारे घर तक पहुंचना बहुत अनिवार्य है। आज भी हम लोग देखते हैं कि हमारे गांव घर के लोग अपने इलाज के लिए दिल्ली मुंबई तक जाते हैं। महिलाएं यहां पर मौजूद हैं, बुजुर्ग यहां पर मौजूद हैं, इनको मैं देखता हूं कि किस तरीके से दिल्ली एम्स के सामने लाइन लगाकर दिनों तक इंतजार करते हैं डॉक्टर से मुलाकात करने का। पर आज कम से कम विश्वास के साथ कह सकता हूं कि ये इंतजार छातापुर की जनता को नहीं करना पड़ेगा। यहां पर एक अपना वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी से ये अस्पताल यहां पर मौजूद है और इसके लिए हम लोग जितना धन्यवाद संजीव जी का करें उतना कम है। मैं चाहता हूं एक बार जोरदार तालियां आप लोग संजीव मिश्रा जी की आप लोग करना। पनोरमा ग्रुप के तहत इन्होंने कई अलग अलग कार्यों को अंजाम दिया जिसने यकीनन हमारे प्रदेश की जनता को बिहारियों को सुविधाएं तो दी पर वहीं ना सिर्फ प्रदेश के स्तर पर बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी इन्होंने एक अपनी पहचान बनाने का काम किया। जहां एक तरफ गरीबों को समाज के ऐसे वर्ग के लोगों को जो आज भी बहुत कम व्यवस्था में अपना गुजारा कर रहे हैं उनको जहां इन्होंने अफोर्डेबल हाउसिंग देने का इन्होंने काम किया वही शिक्षा के क्षेत्र में आज हम लोग जिस प्रांगण में हम लोग मौजूद हैं इस तरीके के कई ऐसे स्कूल चलाकर जहां पे गरीब बच्चों को शिक्षा के उच्च स्तर से उनका राह एक करने का काम इन्होंने किया। और आज सरकार है तो मैं उम्मीद करता हूं कि हम लोगों के जितने सपने हैं युवाओं की जितनी जरूरतें हैं आने वाले दिनों में कम से कम उसे पूरा किया जाए। मैं उम्मीद करता हूं कि कम से कम अब हमारे बिहार के युवाओं को दूसरे राज्य दूसरे प्रदेश शिक्षा रोजगार के लिए नहीं जाना पड़ेगा। मैं खुद देखता हूं और ये बात मुझे तकलीफ देती है कि भैया क्यों हमारे ही बच्चों को दिल्ली गुरुग्राम नोएडा बेंगलुरु अलग अलग राज्य जाना पड़ता है रोजगार के। भारत एक साथ आजाद हुआ, भारत के तमाम प्रदेश एक साथ आजाद हुए तो फिर क्यों कहीं दिल्ली मुंबई जैसे चमचमाते शहर बने और कहीं हमारा बिहार प्रदेश जो आज भी पिछड़ा राज्य कहलाता है। आज भी हमारे बच्चों को कोटा हम जाते हैं वहां पर हम देखते हैं इतने सारे बिहार के बच्चे वहां पर शिक्षा हासिल करने तालीम हासिल करने जाते हैं। कोटा में पढ़ने वाला बिहारी पढ़ाने वाला बिहारी अधिकांश शैक्षिक संस्थानों के मालिक वहां पे बिहारी पर व्यवस्था राजस्थान। क्यों ये व्यवस्था बिहार में नहीं हो सकती, क्यों ये पटना में नहीं हो सकती, दरभंगा में नहीं हो सकती, भागलपुर में नहीं हो सकती, सुपौल में नहीं हो सकती, क्यों बिहार के अलग अलग जिलों में हम लोग इस तरीके से एजुकेशनल हब नहीं बना सकते। मेरी संजीव जी से इस विषय में चर्चा हो रही थी और इनसे मैंने आग्रह किया और मेरे आग्रह से पहले ही इन्होंने ये रोड मैप तैयार किया हुआ था। इनसे मैंने कहा कि भैया जब शिक्षा के क्षेत्र में आप 12वीं तक का स्कूल आप चला ही रहे तो अब इसको आगे बढ़ाने की भी सोच हम लोग को लानी चाहिए। तुरंत इन्होंने छूटते ही कहा कि हम लोग मेडिकल कॉलेज पर हम लोग काम करें और वो दिन दूर नहीं जब छातापुर में एक अपना मेडिकल कॉलेज होगा। इस सोच के साथ हम लोग आगे बढ़ने का हम लोग प्रयास करें। सपने कई हैं, कई सपने पूरे हुए हैं, कई अभी पूरे होने बाकी हैं। पर मुझे उम्मीद है विश्वास है संजीव जी पर इनकी टीम पर पूरे पनोरमा ग्रुप पर ये इच्छा शक्ति जिसकी जरूरत है हमारे राज्य में इस तरीके के संस्थानों को खोलने की कम से कम वो इच्छा शक्ति इनके पास है। कई लोग हैं जो अपने क्षेत्र अपने गांव अपने प्रदेश से आगे निकलकर भूल जाते हैं अपने क्षेत्र अपने प्रदेश के लोगों को पर खुशी होती है मुझे ऐसे लोगों को देखकर जो खुद आगे बढ़ते हैं और अपने क्षेत्र अपने गांव को भी